हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ नवरात्रि के अष्टमी के दिन बनने वाले काले चने की सब्जी, जो प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। साथ में दानेदार हलवा, ये भी प्रसाद के लिए होता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी मैंने बनाया है। और आपको जो तरीका बताऊँगी इतनी आसान है और इतनी जल्दी बन जाएगी कि आप बिलीव नहीं कीजिएगा। और फुली फुली पूड़ी भी इस वीडियो में दिखाया जाएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम काले चने की सब्जी बना लेते हैं, जिसके लिए आधा कप काले चने को मैंने अच्छे से 3-4 घंटे भिगो लिया, अच्छे से फूल गया है ये। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी में चने को डाल दें तो जल्दी से फूल जाते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 2-3 हरी मिर्चें आप ले लें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लें। मिर्ची को हम तड़के में यूज़ करेंगे तो इसको आप कट कर लें, साथ में थोड़ा सा अदरक भी बारीक चॉप कर लें, और बाकी का जो अदरक है और टमाटर है उसको आप पीस के इसका पेस्ट रेडी कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा अदरक को कट कर लिया, जिसको तड़के में यूज़ करेंगे, मिर्ची को भी कट कर लिया, टमाटर का पेस्ट भी हमारा रेडी है और अदरक के साथ में, और यहाँ पे काला चना भी रेडी है। इसके बाद हम एक मसाला रेडी कर लेते हैं जो हम सब्जी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने एक कटोरी लिया है, जिसमें 1 छोटा चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 छोटा चम्मच मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, और यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली। मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डालें, तीखा कितना खाना है। और यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच ही मैं गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। इसी के साथ 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया है इसमें। और यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच मैंने जीरा का पाउडर डाला है, भुना हुआ जीरा पाउडर। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच के आसपास आमचूर पाउडर, इससे थोड़ी खटास आ जाती है। और 1 छोटा चम्मच के आसपास मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, जिससे इसमें कलर आएगा। इन सबको हम पहले मिक्स कर लेते हैं, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे मसालों का। इससे ये होगा कि जब हम इसे तेल में डालेंगे तो मसाले हमारे जलेंगे नहीं, तो इसको हम अच्छे से पेस्ट बना के रेडी करके रख लेते हैं। इसके बाद मैंने कुकर लिया है, जिसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, और इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। इसी के साथ हम कटा हुआ अदरक डाल देंगे, और इसी के साथ हम हरी मिर्च भी डाल देंगे, जिसको लंबे लंबे स्लाइस में हमने कट कर लिया था। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 पिंच हींग, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है। इसे हम हल्का सा भून लेंगे, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है, बिल्कुल 10 से 20 सेकंड के लिए बस। इसके बाद हम डाल देंगे मसाला, और जिसको हमने पानी में घोल के रखा था, और इसको हम मिक्स करेंगे, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसे हम बस 1 से 1.5 मिनट तक ही भुनेंगे मीडियम फ्लेम पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत जल्दी इसका पानी सूख जाता है, बिल्कुल इस तरीके का मसाला हो जाना चाहिए। इसमें हम डाल देंगे टमाटर, अदरक जिसे हमने पीस के रखा था, और इसे भी हम पहले मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ही हम इसमें डाल देंगे नमक, तो इसमें 1 छोटा चम्मच के आसपास नमक गया है, क्योंकि ये सूखा चना है तो बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दें, और इसके बाद हम इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका टमाटर का पानी सूख ना जाओ और ये थोड़ा सा ड्राई या सूखा मसाला जैसा ना हो जाए, तब तक हमें भूनना। इसको भूनने में आपको 4 से 5 मिनट लग जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं मसाला पानी पूरा का पूरा सूख गया है इसका। उसके बाद हम इसमें चना डाल देंगे, तो चना को हमने उबाला नहीं है, नॉर्मल चना, भीगा हुआ चना ही हम इसमें डाल रहे हैं। इसे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं, और इस तरीके से आप एक बार चना की सब्जी बना के देखिएगा, चने के अंदर तक एक एक फ्लेवर जाता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और बहुत जल्दी बनता है। आपको बिल्कुल भी अलग से कुकर में उबालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप पानी डाल दें तो पानी आपको बस चने के जस्ट ऊपर तक ही डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम सूखा चना बना रहे हैं तो जस्ट ऊपर तक रखना है। और आप इस चने को मीडियम फ्लेम पर ढक्कन लगा के 4 से 5 सीटी आने तक पका लीजिएगा, और ये बहुत अच्छे से गल जाती है और चने के अंदर तक एक एक फ्लेवर होता है। तो आप एक बार इस आसान तरीके से चना ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पे कुकर ठंडा हो गया है, सीटी 4-5 मार दिया था, कुकर भी ठंडा हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि चने में पानी बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डालना है, बिल्कुल इसी हिसाब से आप डालिएगा, और ये अच्छे से पक भी गया है। देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं अच्छे से पक गया है, और इसमें जो भी पानी बचेगा थोड़ा भी, उसको हम वापस से सुखा लेते हैं। तो गैस को मैंने ऑन कर दिया है, और ये बहुत ही कम इसमें पानी बचा था, तो 1 से 2 मिनट में अच्छे से सूख गया। और आप देख रहे हैं कितना टेस्टी ये दिख रहा है, एकदम मसालेदार। इसमें हरा धनिया डालिए, बस आपका चना बन के रेडी हो गया। और एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और सिंपल रेसिपी है ये। तो सब्जी रेडी है, अब इसे हम साइड में रखते हैं, और पहले हम पूड़ी का आटा रेडी कर लेते हैं। इसको रेस्ट पे रखना रहता है, इसके लिए
हलवा बनाने से पहले। तो इसमें मैं बहुत ही थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ में मैं एक चम्मच भर के घी डाल रही हूँ, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी डालें, नॉर्मल पानी, और एक पूड़ी जैसा डो रेडी कर लें। रोटी से थोड़ा सा हार्ड होता है पूड़ी का डो। अगर आप नमक नहीं पसंद करते हैं पूड़ी में तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे हलवे के साथ में थोड़ी सी नमकीन पूड़ी पसंद है और बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने डाला है। इसको आप इस तरीके से आटा गूँथ के इसको हम साइड में रख देंगे। इसके बाद हम हलवा बनाते हैं। तो हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया, आप कोई भी कढ़ाई ले लें, जिसमें आधा छोटा चम्मच मैंने घी डाल दिया, बहुत ही थोड़ा सा, और इसमें हमने कटा हुआ काजू और बादाम भी डाल दिया। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग डालें। और ये जब थोड़ा भुन जाएगा, इसके बाद मैं इसमें किशमिश डाल दी हूँ। आपको कौन सा ड्राई फ्रूट पसंद है वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसको हम गोल्डन होने तक भून लेंगे, क्रिस्पी होने तक। ये भून गया है और इसे मैं निकाल लेती हूँ। और निकालने के बाद उसी कढ़ाई में मैं 1/4 कप घी डाल रही हूँ, जो 4 चम्मच होता है। घी जब मेल्ट हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें 1/2 कप सूजी डाल रही हूँ, जो मोटी वाली सूजी है, ऑर्डिनरी सूजी के नाम से आता है। और इसको हम कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि एकदम ब्राउन ना हो जाए। आपको फ्लेम को लो रखना है और हमेशा सूजी का 1/2 घी लीजिएगा तो हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा। ये 8 से 10 मिनट के बाद बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, एकदम ब्राउन। बिल्कुल आपको ऐसे ही सूजी को भूनना है, तब आपका सूजी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और बनेगा भी एकदम दानेदार और टेस्टी। तो अच्छे से भून गया है, इसके बाद मैं इसमें 1/2 कप पहले पानी डाल रही हूँ। आप हलवा बनाते समय क्वांटिटी का ध्यान जरूर रखिएगा कि कितना क्या लगता है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पहले मैंने 1/2 कप पानी डाला, उसके बाद मैं 1 कप डाल रही हूँ दूध। दूध से फ्लेवर कहीं ज़्यादा इसका बढ़ जाता है। और हमेशा जितना सूजी लीजिएगा उसका 3 गुना आपको पानी या दूध लगेगा। तो मैंने दोनों मिक्स बनाया है, आप सिर्फ दूध का ही बना सकते हैं, सिर्फ पानी का ही बना सकते हैं। इसमें हम चीनी डाल देंगे, तो 1/2 कप से मैं थोड़ा सा कम चीनी डाल रही हूँ, जो परफेक्ट मीठा गया था। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आपको 1/2 कप चीनी लग जाएगा। और पहले सब चीज़ डाल दीजिएगा, उसके बाद आप इसको मिक्स कीजिएगा और लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से ड्राई होने तक आप इसे पकाएं। अच्छा पानी सूख जाएगा और आप देख रहे हैं अच्छे से हलवा बन गया है। इसके बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। इस टाइम पर ड्राई फ्रूट डालने से ये फ़ायदा होता है कि आपका जो ड्राई फ्रूट है एकदम क्रंची बना रहता है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे। और देख रहे हैं हलवा बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है। और ये गैस को मैंने बंद कर दिया है। आपको हलवा कैसा चाहिए, गीला चाहिए या कितना ड्राई चाहिए, वो आपके ऊपर है। और यहाँ पे अच्छे से पक भी गया है। दाना इसका देखिएगा, एक दाना कितना अच्छा है ये। इसी तरीके से बनाइएगा, टाइम देके बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चलिए अब हम पूड़ी बना लेते हैं। आटा भी हमारा बहुत अच्छे से रेस्ट कर लिया है। इसके बाद हम एक एक छोटा छोटा पेड़ा बनाएंगे पूड़ी के साइज़ का, और इसके ऊपर हम तेल लगाएंगे। आप कभी भी पूड़ी को आटे में, सूखे आटे में डिप करके ना बनाएं, नहीं तो तेल भी ख़राब होता है और वो उतना अच्छा बनता भी नहीं है। आप हमेशा तेल के साथ में ही पूड़ी बेलें, और आप पूड़ी के जैसा ही बेल लें, जैसा थोड़ा सा मोटा रहता है रोटी के हिसाब से। और इसी तरीके से आप पूड़ियों को बना के ले लें। सिंपल तरीका है पूड़ी बनाने का। अगर पूड़ी बनाने वाला मशीन है तो आप उससे भी बना सकते हैं, दबाते जाइए बनते जाएगा। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में अच्छा तेल को गर्म कर लिया है, एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए। पूड़ी के लिए तेल हमेशा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, फ्लेम को एकदम हाई रखिएगा तो आपकी पूड़ी एकदम फुली फुली बनेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। सिंपल तरीका है पूड़ी बनाने का, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे बना लेते हैं और इसके बाद हम इसे सर्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं कटोरी में डाल रही हूँ चना, जो हमने बनाया था एकदम मसालेदार सूखा काला चना, जो इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि लगता ही नहीं है कि बिना लहसुन प्याज का बना हुआ है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा हरा धनिया डालिए, पसंद है तो थोड़ी सी हरी मिर्ची डालिए, तो गार्निशिंग के लिए मैं डाल रही हूँ, आप नहीं भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ हलवा, जो एकदम दानेदार है और इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आप एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने पर। सभी चीज़ों को बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दिए और ये आया हमारा फूला फूला पूड़ी। तो आप इस प्रसाद को एक बार ज़रूर बनाएं और माता रानी को भोग लगाएं। प्रसाद हमेशा टेस्टी ही बनता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबा लें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में।